हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टर हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो। जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन पहले क्या सोचते थे। जब भी आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम्स हुई, उससे पहले क्या सोचते थे, और जब अभी करेंटली वो क्या सोचते हैं। सो देन वर्सेस नाउ काइंड ऑफ रीडिंग है, ठीक है। आई होप आपको समझ गया मैं क्या बोल रही हूँ। क्योंकि मैं नहीं समझ पाई मतलब तब और अब क्या डिफरेंस है फीलिंग्स में, ये हम देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी आपको लेकर, और अब क्या है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, क्लियर मैसेजेस प्लीज़। पहले आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स थी और अब क्या फीलिंग्स है आपको लेकर? पहले की फीलिंग्स यहाँ पे, अभी के यहाँ पे, द अराउजिंग, कॉन्टेम्पलेशन, द रिसेप्टिव, अबंडेंस। ओके, लेट्स सी अभी की फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। ऑप्रेशन, डिसिप्लिन, रिवॉल्यूशन, और जो लास्ट कार्ड है वो है द कॉल्ड्रन। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। एंड बॉटम डेक में है स्प्लिटिंग अपार्ट, जो कि करंट एनर्जी है। ओके, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, मैं बता देती हूँ। सिंगल नंबर बताऊँगी मैं, 6, 2, 1, 2, अगेन 4, 7 और 5, एंड या 5 नंबर। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो पहले के और अभी के फीलिंग्स में मुझे जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है मेजरली, वो है पहले मुझे लगता है आपके पर्सन इस कनेक्शन को लेकर ना बहुत अवेयर थे, बहुत ज़्यादा उनके अंदर अवेयरनेस थी, चाहे वो अपनी फीलिंग्स को लेकर हो, चाहे आपके प्यार को लेकर हो, एक अवेयरनेस थी, एक बहुत सोचते थे, डिवोटेड थे बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के लिए, ओपन थे, एक्सेप्ट करते थे, समझते थे इस कनेक्शन को, ठीक है। ये कनेक्शन उनके, उन्हें बहुत कुछ, उन्हें ऐसा लगता था कि ये कनेक्शन उन्हें बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ वो इस कनेक्शन से ले पाते हैं, सीख पाते हैं। वेरहज अभी की अगर एनर्जी देखी जाए तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इनमें काफ़ी चेंजेस आए हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उनका नज़रिया बदल गया है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ को दिल से नहीं बल्कि दिमाग से देख सोचते हैं, डिसीजंस भी काफ़ी दिमाग से ही लिए जा रहे हैं इस कनेक्शन में आपके पर्सन के साइड में। जैसे उन्हें एक अवेकनिंग हुई हो, कुछ चीज़ें नए सिरे से समझी हो, और अपने आप को बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को रोकते हुए या अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए भी मुझे आपके पर्सन इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अब मैं क्या करती हूँ, आई विल क्लैरिफाई द कार्ड्स हियर एक एक करके, एंड मैं आपको डीप में बताती हूँ पहले की फीलिंग्स और अभी की फीलिंग्स। ओके, द राउजिंग, ये कार्ड यहाँ पे क्यों है डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। यस, हर्मिट। मुझे लगता है आपके पर्सन ने आपका अटेंशन पाने के लिए पहले बहुत जद्दोजहद करी है। मुझे यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है इस पर्सन ने अपनी स्पेस ली पास्ट में,
सडनली चीज़ें ख़राब हुई, सडनली ब्रेकअप हुआ, सडनली इस पर्सन ने गोस्ट कर दिया, बात करना बंद कर दिया एंड एकदम से आपको अकेला छोड़ दिया. एंड दे स्टार्टेड टेकिंग देयर ओन स्पेस. उन्हें लग रहा था कि वो अपना स्पेस ले रहे हैं, बट आपके लिए ये शॉक था, आपके लिए ये जो चेंज था इस पर्सन के अंदर, जो चेंज आया बहुत सडन था. इट वॉज़ न्यू टू यू, इट वॉज़ डिस्टर्बिंग, आपके लिए बहुत डिस्टर्बिंग रहा है. इस पर्सन ने जैसे अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया एंड आपको निगलेक्ट किया. ओके, मैंने बोला ना, दिल का कम इस्तेमाल, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इस पर्सन ने, जो आपके लिए ज़्यादा शॉकिंग रहा है. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर आपसे दूर रहे हैं पास्ट में, तो ये पर्सन दूर रहकर भी लेकिन आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे सिचुएशन को, क्या कैसे चल रहा है, क्या कैसे होना चाहिए. और इस रिश्ते को लेकर उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ गई. जैस जितना इस पर्सन ने स्पेस लिया, ब्रेक लिया इस कनेक्शन से, उतना ज़्यादा इस रिलेशनशिप को समझा इस पर्सन ने. ओके, या मैंने बोला आपको, टू ऑफ वॉन्ट्स. डेफिनेटली ये पर्सन आपसे काफ़ी बार दूर गए एंड काफ़ी बार उन्हें कुछ रियलाइजेशन हुए इस कनेक्शन को लेकर और इस रिलेशनशिप के डेप्थ को लेकर, उनकी गलतियों को लेकर, जो भी है. ओवरऑल जितना वो दूर रहे, जितना डिटैच्ड रहे आपसे, या जितना स्पेस उस पर्सन ने लिया, मुझे लगता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिन्होंने पास में बहुत ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दी है आपको. आए गए, कभी बात की, कभी नहीं की, विच वॉज़ हार्ड ऑन यू. ये चीज़ आपके लिए बहुत मुश्किल रही है एंड आपने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन. ओके, लेकिन कुछ तो था, देयर वाज समथिंग जो इस पर्सन को बार बार आपकी तरफ खींचता था. डेविल एनर्जी विच इज़ केप्रिकॉन वर्गो, केप्रिकॉन एंड एरीज लियो सैगिटेरियस है. देखिए, मुझे लगता है आपके पर्सन और आपका रिलेशनशिप ना को डिपेंडेंट भी हुआ है. एक टाइम पे सिचुएशन ऐसी रही है जहाँ पे आप इनके बिना जी नहीं पा रहे थे और वो आपके बिना जी नहीं पा रहे थे. काफ़ी को डिपेंडेंसी मुझे आप दोनों के अंदर दिख रही है. ये पर्सन पहले बहुत पैशनेट हुआ करते थे आपके लिए, तो मुझे लगता है इसलिए आपके लिए इतना डिफ़िकल्ट रहा, क्योंकि एक इंसान जब इतना पैशनेट होता है किसी के लिए, वो अगर सडनली इग्नोर करे, सडनली बात करना बंद करे, सडनली सामने आना बंद करे, तो चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है, विच वॉज़ हैपनिंग टू योर पर्सन. ओके, मुझे लगता है इस पर्सन को भी ऐसा फील हो रहा था कि इट इज़ टू मच, उनकी फीलिंग्स आपके लिए या उनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, ऑब्सेसिव हो रही है. ओके, मुझे लगता है एक टाइम पे इस पर्सन ने आपको डोमिनेट भी किया है. ओके, बहुत मैनिपुलेट भी किया है आपको, बट ओवर एंड ऑल अगर देखा जाए तो आप इनके लिए अबंडेंस थे. यू वर एवरीथिंग टू दिस पर्सन. ठीक है, सी द मून कार्ड पाइसिस. मुझे लगता है इस पर्सन ने, यू नो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जगह या अपना प्यार किसी के मन में बनाने के लिए या अपनी जगह बनाने के लिए उनके साथ बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं, बहुत ऑन एंड ऑफ करते हैं. एंड वैसा ही कुछ मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है, जहाँ पे आपके अच्छे होने का, आपके प्यार का इस पर्सन ने बहुत फ़ायदा उठाया है, बहुत साइलेंट ट्रीटमेंट दिया आपको, बहुत मिस करवाया, बहुत पेशेंस टेस्ट किया है आपका. ओके, वेर एज ऑन दी अदर हैंड करंट फीलिंग्स में देखा जाए तो नाउ दे आर फीलिंग वेरी एग्जॉस्टेड. ये पर्सन ऑल ओवर द प्लेस है, इनके इमोशंस इनके कंट्रोल में नहीं है. ये पर्सन बहुत कट ऑफ फील कर रहे हैं इमोशनल लेवल पे. ये कहाँ है उन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा है, सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, क्लियर सोच नहीं पा रहे हैं. और इनके लिए ये जो, अगर स्पेशली अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, बात नहीं कर रहे हो, इनके लिए ये एक पनिशमेंट की तरह ही है. इन्हें लग रहा है जैसे इनको किसी ने जेल में बंद कर दिया हो एंड दे हैव नो आइडिया कि उन्होंने क्या गुनाह किया है. इस तरह की एनर्जी है इस पर्सन की इस वक्त. दे आर फीलिंग वेरी ऑल ओवर द प्लेस. ओके, बट वो अपने आप को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को फोर्सफुली ये अपना डायरेक्शन कहीं और ले जाने की कोशिश करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो हो नहीं पाता है. येस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. मुझे लगता है ये पर्सन इज़ बीइंग वेरी हार्श ऑन देमसेल्व्स. ये अपने आप को जैसे पनिश कर रहे हो, अपने आप को जैसे ये
सज़ा दे रहे हैं, आपसे दूर रह के, आपसे बात ना करके, आपसे कट ऑफ करके। मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को बहुत गलत कुछ बोल दिया है, या इस पर्सन ने कुछ बहुत गलत बोल दिया था लास्ट टाइम जब बात हुई, विच इज़ हर्टिंग दिस पर्सन। मुझे लगता है ये पर्सन जितना आपको हर्ट करते हैं ना, ये अकेले में खुद को उससे डबल हर्ट करते हैं। अगर ये आपको कुछ बोलेंगे तो ये कुछ करते हैं, अपने आप को हर्ट करते हैं फिजिकली, लाइक फिजिकली आई सी दिस। यू नो, हाथ मार लेना कहीं पे, कुछ कट कर लेना, ऐसी फालतू की चीज़ें मुझे लगता है ये पर्सन करते हैं। ऑब्सेशन है इस पर्सन को, आपसे ऑब्सेशन है। मतलब वो होता है ना कि रह भी ना पाना और कह भी ना पाना, इस टाइप की एनर्जी है। या मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को पनिश कर रहे हैं लिटरली, लाइक वेरी सैड ऑफ द, मुझे बहुत बुरा लग रहा है देख के। कुछ प्लान भी कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं। या ये पर्सन अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन अपने आप की ही टेस्ट ले रहे हैं बाय डूइंग वट एवर दे आर डूइंग। ओके, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये पर्सन ने अपने ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है, ताकि वो अपने आप को टेस्ट कर सके, ताकि वो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सके। किसी किसी ने, मुझे लगता है, फिजिकली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मे बी जिमिंग कर रहे हैं या कैसा कुछ। दे वॉन्ट अ चेंज, वो अपने अंदर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, इस रिश्ते में कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग बदलाव लाना चाहते हैं। ओके, कुछ गिल्ट भी है, कुछ थॉट्स है जो इनका पीछा नहीं छोड़ रही है, कुछ गिल्ट लेके बैठे हैं। ओके, उन्हें ऐसा लगता है इस रिलेशनशिप में अगर कुछ बदलाव लाना है, दे हैव टू चेंज समथिंग अबाउट देम। ओके, एंड मुझे एक स्पिरिचुअल रिन्यूअल होते हुए दिख रही है इस पर्सन के अंदर। कुछ चीज़ें उन्हें रियलाइज़ हो रही है, कुछ एनलाइटमेंट हो रही है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। मुझे लगता है कि ये पर्सन स्पिरिचुअली बहुत ही नाइव थे, स्पिरिचुअल लेवल पे ये पर्सन बिल्कुल ज़ीरो थे, जो अब धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है इनकी। ओके, आई सी देम चेंजिंग, आई सी देम अपग्रेडिंग, ओके, टू अ न्यू लेवल। इनके अंदर काफ़ी मैच्योरिटी आ रही है, अलग ही लेवल की मैच्योरिटी है भाई, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। चलिए, आपके लिए देखते हैं कुछ मैसेजेस या एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें आपको किन चीज़ का ध्यान रखना है। एक्शन स्पीक्स लाउडली, स्पिरिचुअल कनेक्शन, प्रैक्टिस कंपैशन, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, एंड बॉटम डेक में है द ओनली थिंग दैट इज रियल इज लव। यहाँ पे है नंबर 4, 9, 27, 15, 6, 2 एंड 7। ओके, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ कि आपको जब आपकी फीलिंग्स कह लो या सामने वाले की फीलिंग्स, अगर सामने वाला आपको कुछ फीलिंग्स अपनी शो कर रहा है, तो आपको उसके बातों पे विश्वास नहीं रखना है, आपको उनके एक्शंस पे भरोसा रखना है जो वो आपको दिखाते हैं। व्हाट दे डू इज रियल, व्हाट इज़ रियल, ठीक है। आपको उनके वो जो बोलते हैं उन चीज़ों पर भरोसा नहीं रखना है, जो वो करते हैं उस पर भरोसा रखना है। और सेम गोज़ टू यू, अगर आप प्यार करते हो या आप कुछ फील करते हो इस पर्सन के लिए, शो इट इन योर एक्शंस, ठीक है। सिर्फ बोलने के लिए बोलना नहीं है। अगर आप किसी से, किसी के लिए सॉरी फील कर रहे हो अपनी गलतियों के लिए, तो यू हैव टू बी जेन्यून अबाउट इट, ठीक है। वाई इज़ दिस एक्शन स्पीक्स लाउडली, जस्टिस, यस, फेयर होना पड़ेगा। सामने वाले से जो एक्सपेक्ट कर रहे हो या खुद जो बोल रहे हो, प्रॉमिस कर रहे हो या जो चाहते हो ना, वो आपको भी करना पड़ेगा। फेयरनेस नहीं है यहाँ पे, बैलेंस नहीं है, लिब्रा एनर्जी है। ये कनेक्शन स्पिरिचुअल है, ये कनेक्शन 3D कनेक्शन नहीं है, दिस इज़ अ 5D लेवल सोल कनेक्शन है ये, ठीक है। एंड इसमें मुझे लगता है कि आप एक टेस्ट से गुजर रहे हो। टावर कार्ड है यहाँ पे स्कॉर्पियो, दिस इज़ अ टेस्ट, दिस वॉज अ शॉक गिवन टू यू। देखिए, स्पिरिचुअल कनेक्शन इतने आसान नहीं होते हैं, बहुत अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ता है, तब जाके यूनियन होता है सही मायनों में। सो यू, अगर आपके सिचुएशन में कुछ हो रहा है, तो
फील लकी कि आप एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो जो बहुत रेयर है, बहुत इंटेंस है, ठीक है। आपको प्यार अगर चाहिए तो आपको प्यार दिखाना भी पड़ेगा, खुद के तरफ से भी आपको प्यार शो करना पड़ेगा। हाई प्रीस्टेस विच इज़ स्पाइसीज एनर्जी, ठीक है, आप केपेबल हो प्यार देने के। और अगर आप सामने से प्यार चाह रहे हो, अपनापन चाह रहे हो, तो आपको वो देना भी पड़ेगा। एंड जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। अगर आप प्यार दे रहे हो प्यार मिलेगा, नफरत दे रहे हो नफरत मिलेगी, ठीक है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर आप कुछ गलत कर रहे हो अपने पर्सन के साथ, अपने साइड से, तो आपके साथ भी होने के लिए तैयार रहो, ठीक है। मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी लोग अपने, यू नो, योर मिररिंग, आपके जैसे ही है आपके पार्टनर। सो या, दैट वॉज इट। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो।